था, लेकिन आज हर घर गृह में पूरी तरह से श्री राम स्थापित हो जाएंगे। 12:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और वहाँ के गवर्नर यूपी के भी मौजूद होंगे। सब बड़े तमाम नेताओं के बीच आज जो है ये भव्य आयोजन होने जा रहा है और अयोध्या में भी करोड़ों की संख्या में आज लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पर ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। हम भी लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि रामलला आ रहा है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। जिस कड़ी का हमें इंतजार था, हमारे दर्शकों को इंतजार था, वो आज पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है, संगीत संध्या का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आज दिवाली मना रहे हैं आप? बहुत बहुत खुशी है, जय श्री राम, बहुत खुशी है। बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत खुशी है आज, बहुत खुशी है। कैसे आज सेलिब्रेट कर रही है इस दिन? हम वो पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो वाले शिव राम जी के मंदिर को देख बनते हुए देख रही है। कैसे सेलिब्रेट कर रही है? सेलिब्रेशन क्या है? रात को हम दिए जलाएंगे, मंदिर से जाएंगे, खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, खूब मजे करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, घर को मंदिर बनाएंगे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत खुशी है। लोगों को कितनी खुशी है, कह रहे हैं कि दिवाली की तरह इस दिन को बनाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, पूजा करेंगे, श्री राम की वेलकम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सजाया जाएगा, रंगोली बन। कपाट खुल चुके हैं, अयोध्या राम मंदिर के कपाट खुले हैं। थोड़ी देर में मात्र आपके स्क्रीन पर वो काउंटडाउन भी चल रहा है, 3 घंटे के बाद जब भव्य तरीके से राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या भव्य सज कर तैयार हो चुकी है। अयोध्या राम मंदिर के कपाट खुल गए हैं। भगवान राम जो 51 इंच के सांवले रंग में बाल स्वरूप में अपने प्रतिस्थापित तो हो गया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:05 से 12:55 यानी कि 50 मिनट का वो समय बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही और कुछ ही देर में अब उस मंदिर में जो कपाट खुला है रामलला का, उसमें पूजा अर्चन शुरू होगी। कहा जाता है नीलाम भुजश्याम मलको मलागम सीता समारोह, सीता समारोह पितृभाव भागम प्राणो महाशाय यक्षार चापम नमामि रावम रघुवंशनाथम, यानी कि मंदिर के कपाट खुले हैं। भगवान राम जिस गर्भगृह में विराजमान है वो कपाट अभी नहीं खुला है, मंदिर का कपाट खुल गया है, वहां पर भव्य तरीके से पूजा अर्चन अब शुरू होगी और उसकी तैयारी की जाएगी, क्योंकि पहले से ही अयोध्या में चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो जाप हो, हर कोई कर रहा है। मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, मंदिर की अब साफ सफाई की जाएगी, उसको सजाया जाएगा फूल माला से, वहां के भगवान उनको पहले स्नान किया जाएगा, उसके बाद फूल माला से भोग लगाकर आरती की जाएगी और फिर ये सब कार्यक्रम होगा, तब जाकर 12:05 पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम अनुष्ठान किया जाएगा। 121 आचार्य मौजूद रहेंगे उस गर्भगृह में और साथ ही 5 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और उस क्षण पर जब भगवान रामलला के आंखों से पट्टी हटाई जाएगी तो खुद काजल लगाने के लिए पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे और साथ ही भगवान को उन सांवले रंग को, उन बाल स्वरूप भगवान को क्या उनको आईना भी दिखाया जाएगा। बेहद ही ज्यादा और पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है। माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि रामलला 500 साल के बाद आए भी हैं और भगवान राम को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। और सीधे हम जोधपुर रुक कर लेते हैं, रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, भगवान राम सबरी के थे, भगवान राम केवट के थे, भगवान राम तुलसी के थे, भगवान राम को हर कोई अपनी तरीके से देखता है, पूजता है, उनके लिए आस्था रखता है। रंजन, जोधपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर आप पूछिए लोगों से कि उनके लिए भगवान राम किस तरह है। रंजन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, निश्चित तौर पर जी।
देखिए जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर दिन भर और रात्रि से यहां आयोजन शुरू हो गए हैं और आज पूरे दिन भर यहां आयोजन चलने वाले हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां आज दिन भर रहने वाले हैं। उसके अलावा की घड़ी है, देश भर में उत्साह है, भक्ति की लहर उठी है, इससे अवश्य राम राज्य स्थापित होगी। देशे न सहैव समग्र जोधपुर के सब्जी मंडी की बात करें, रोडवेज बस स्टैंड की बात करें, यहाँ का ऐतिहासिक क्लॉक टावर की बात करें, जहाँ 1,11,111 दियों से आज शाम को दीप माला सजने लगी है, चौराहों पर रंगोलियां सजाई गई है और नगर निगम की ओर के साथ साथ आम जनता की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोल रही है। साथ ही कैमरामैन समीर से कहूंगा कि एक बार जो आतिशबाजी का जो दृश्य है वो दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से जोधपुर में जो सब्जी मंडी है, फ्रूट थोक विक्रेता जो संघ का ये जो आयोजन है, यहाँ आप देखिए किस तरीके से सवेरे से लगातार 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और जो आतिशबाजी का सिलसिला है वो अभी तक थमा नहीं है। यानी कि दीपावली की अगर मैं बात करूं तो दीपावली पे रात को आतिशबाजी होती है, लेकिन यहाँ आज 22 तारीख को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोगों में जो खुशी है वो परवान पर है और उसी का सिलसिला यहाँ देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लोग हैं वो आज सवेरे से ही आतिशबाजी में लुप्त नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज आपके दिन के मौके? आज हमको इतनी खुशी हो रही है आप बयान नहीं कर सकते और हर साल हम 22 जनवरी को ऐसा ही माहौल बनाते रहेंगे। दिवाली से ज्यादा खुशी हमको आज हो रही है। दिवाली से ज्यादा खुशियाँ आप सवेरे से यहाँ जुटे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, हम काफी दिनों से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और बहुत ही जोरदार प्रोग्राम है, हमने काफी काफी तैयारी की इसके लिए। 500 साल बाद हमारे पूर्वज और हमारा सपना पूरा हुआ है, जो हमारे बीजेपी के मोदी और योगी ने जो किया है, जो हमारा सपना साकार किया है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम ये हर साल मनाएंगे, इसका ये हर साल मनाएंगे, हर साल मनाएंगे। देखिए लोगों में अब इस बात की खुशी है कि ये जो दिन आज उनको देखने के लिए नसीब हो रहा है, इसका आयोजन अब ये प्रतिवर्ष करेंगे, क्या कहेंगे? जय श्री राम। हम ये कहेंगे, हम पहले तो राम जी 17 साल वनवास करके आए, उस टाइम दीपावली मनाई गई और इस बार ऐसा माहौल है, हम देख रहे हैं हमारी उम्र में ये 30 साल की राम मंदिर बिंडा है, ये बहुत ही हमारे लिए भाग्यशाली है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए लोग पूरे दिन भर इसी तरीके का माहौल नजर रहने वाला है, जहां राम के नारों के साथ में अलग अलग टोलियां जो है वो आज निकलने वाली है। प्रभात फेरियों के बाद में दिन में रैली जो है अलग अलग क्षेत्रों में जोधपुर से निकलने जा रही है।